तो आज का वीडियो है मेस का खाना लेके, मेस में क्या खाना मिलता है, क्या रूल्स है, क्या मेनू है, ये सब कुछ लेके बात करेंगे। तो हमारा दो मेस है, एक DH1 एक DH2, Dining Hall 1 Dining Hall 2। तो Dining Hall 1 है एकदम एंट्रेंस में, स्टार्टिंग में, जो ए ब्लॉक एंड सी ब्लॉक के बीच में है, और Dining Hall 2 DH2 जो है डी ब्लॉक, जो मेरा हॉस्टल है, एंड ई ब्लॉक मेरे ऑपोजिट हॉस्टल है, तो उसके बीच में Dining Hall 2 है। जनरली ऐसा कुछ रूल्स नहीं है कि आपको DH1 में खाना है, DH2 में खाना है, बट अगर आपको एक बार खाना खाना है तो एक महीने का खाना कोई भी एक मेस में खाना है, आप इन बिटवीन मंथ चेंज नहीं कर सकते अगर आपने एक बार पैसा डाल दिया तो। और अगर आप पैसा नहीं डाल रहे हैं तो ऐसे ही नॉर्मल पैसा दे के लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर कुछ भी खा सकते हैं, कहीं भी खा सकते हैं। तो एंजॉय करिए वीडियो। तो ये है अभिषेक पात्रा, जो 15 दिन पुराना बासन धो रहा है इधर। और कैसा, कितना फंगस था? ब्लैक, व्हाइट, येलो, कौन सा फंगस? ग्रीन फंगस था और रेड भी था। हुआ तेरा, हो गया ना धोना धोना? हाँ, हमारे साथ नया और एक जुड़ गया है, ये है रविकांत। हाय नेगी। ये हमारा बाइकर है, हे अक्षय। तो ये है मेस का DH2 का जो है हमारा, उसका कार्ड, तो ये कार्ड देना है इनको, जो भाई रहते हैं इधर, उसके बाद वो स्कैन करेंगे और हो जाएगा आपका बिलिंग। तो ये पिन डाल रहा है, पिन नहीं देखने का। तो ये मिल गया, और ये जो मैंने बोल रहा था सेकंड ऑप्शन, आप पैसा देके भी खा सकते हैं, तो नेकी ने पैसा देके खा रहा है अभी। हाँ, तो 50 रुपीज़ दे दिया। तो ये है हमारा खाने का जो स्टॉल जैसा है इधर, तो नेगी खाना ले रहा है सबसे पहले। तो इधर वेज एंड नॉन वेज दोनों एक साथ रहता है, तो आप देख सकते हैं मास्क पहन के हैं भाई, और हाथ में ग्लव्स भी होता है। तो आज का खाना हमें भेज लिया हूँ मैं, यहाँ पर मशरूम है, और ये फ्राइज है, आलू कांकड़ो, और ये दाल है, और ये टमाटो का चटनी है, रोटी खा रहे हैं। तो आप अगर चाहे तो राइस भी ले सकते हैं, राइस और रोटी मिक्स भी कर सकते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि मेस का खाना कैसा है, तो पात्र तुझे क्या लगता है घर से आने के बाद, लाइक तू इसके पहले कभी हॉस्टल में था नहीं, तेरे हिसाब से फर्स्ट टाइम हॉस्टल यहाँ पर आया 2018 को, तो उसके बाद हमें दो मेस चेंज हुआ, यात्री था, अभी SK है एंड JN है, तो तुझे क्या लगता है खाना कैसा है हॉस्टल का खाना? जब हम लोग आए थे तो उस टाइम पर यात्री ठीक खाना देता था, प्राइस भी कम था, उस हिसाब से ठीक खाना था, लेकिन फिर उसका धीरे धीरे क्वालिटी डिक्रीज होता गया, कोई कॉम्पिटिशन नहीं था। अभी दो नए मेस आने के वजह से दोनों में आपस में कॉम्पिटिशन रहता है, तो ऐसे क्वालिटी ऑफ फूड इंक्रीज हुआ है, और अब खाना थोड़ा बेटर है, इसलिए ज़्यादा लोग अब मेस में भी खाने लगे। तो नेगी, तू हिमाचल से आया है, तुझे क्या लगता है, मतलब हिमाचल का खाना और यहाँ उड़ीसा में एम्स का हॉस्टल का खाना, तुझे क्या डिफरेंट लग रहा है, एडजस्ट होने में कुछ प्रॉब्लम या कुछ? नहीं, ऐसे कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बट थोड़ा बहुत उड़ीसा में खाना थोड़ा मिक्सचर ऑफ साउथ इंडियन एंड नॉर्थ इंडियन, तो थोड़ा साउथ इंडियन फूड जैसे डोसा वगैरह, इडली
वहाँ नहीं खा रहा था, बट यहाँ के खा रहा हूँ। ऐसे कोई अच्छा है, मतलब अच्छा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वही मेनू में मिक्सचर है, साउथ नॉर्थ उड़ीसा सब कुछ मिला के जुला के है इधर। बाकी एज सच लंच एंड डिनर के लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ चीज़ों में स्पेशल करीज वगैरह कुछ हैं। हाँ स्पेशल जो है वो तो आएंगे बाद में। तो जनरली क्या होता है कि हमारा यहाँ जिस दिन नॉन वेज नहीं होता है तो उस दिन नॉन वेज स्पेशली चिकन जिस दिन नहीं होता है मेनू में, उस दिन यहाँ मेस में एक स्पेशल मेनू रहता है। लाइक आपको 20 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा एज यूजल 50 रुपीज से या 10 रुपीज, तो आपको वो स्पेशल वाला मिलेगा जिसमें आपको क्या मिलेगा, चिकन मिलेगा। अत्रा ने की दोनों के लिए, तुम दोनों को कौन सा मेनू सबसे अच्छा लगता है मेस में, 7 दिन में जो भी सारे मेनू मिलता है? पात्रा आई थिंक चिकन बनता है तो चिकन का टेस्ट अच्छा लगता है, तो चिकन करी अच्छा लगता है। मतलब बाहर का जो पनीर रेस्टोरेंट वेज में पनीर भुर्जी और नॉन वेज में चिकन करी। तो पात्र दो बता दिया, वेज नॉन वेज दोनों बता दिया। नहीं कि तेरे को मुझे एग भुर्जी काफ़ी पसंद है, बाकी चिकन का भी टेस्ट भी अच्छा। सबका हो गया, दोनों का खाना खत्म हमारा। मैं धीरे धीरे हाँ खाने क्या बोलते हैं स्लो ईटर ना, क्या स्लो ईटर भी टेक द टेस्ट ऑफ द फूड। आहा আঙ্গেল কোন আছে মজা আছে কই কি আছে 10 রে 10 টাকা কি আছে স্লাইস আছে দে দে গুটে তু কি লে রে তো এ যে থা ছোটা वाला कैंटीन यहां पर वो पीछे कॉफी का सेट है, ये फ्रिज और ये सामने आइसक्रीम का पार्ट है और यहाँ टीवी भी चलता है। तो ये है चिली चिकन, एग प्रपोजल डाल दे, एग प्रपोजल डाल दे शादी के लिए। अच्छा बना था, इंडिया निकल गया, इतना अच्छा खाया हम लोग ने। सिर्फ और दो दाल के अंदर मिर्ची मिला है, अच्छा स्वादिष्ट है मेरा मांस मिल गया भाई। खाने का दो सलाद गाजर खाना खा ले। ये है हमारा मेस सेक्रेटरी 2018 बैच का। लेफ्ट में हमारा सीआर है 17/17। प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल का नाम क्या, गली के लौंडे। प्लीज सब्सक्राइब टू गली के लौंडे एंड वॉच मार देगी गोली। डिसलाइक करेगा मैं उसको अपने नंबर दूंगी। हो सके तो घंटी पे दबा दीजिएगा। तो खाना खत्म हो गया, अभी हम बात करेंगे मेनू क्या क्या होता है। तो मेस का खाना जो है इट्स ओके टाइप, किसी दिन अच्छा होता है किसी दिन थोड़ा ख़राब होता है तो वो स्टेबलाइज हो जाता है, बट इट्स बेटर देन द प्रीवियस 2.5 ईयर्स। द लास्ट 6 महीना जो था वो बहुत अच्छा है।
खाने का कुछ इतना प्रॉब्लम आई डोंट थिंक कि है इधर. लाइक मैक्सिमम पीपल मेस में खाते हैं. कुछ लोग जिनको अच्छा नहीं लगता है मेस का खाना, वो मेस में नहीं खा सकते हैं, बाहर से भी खा सकते हैं. यहाँ इधर जो मील बॉक्स आते हैं, जो भी आप व्हाट्सएप में आप बोल देंगे तो आपको टाइम टू टाइम खाना देखे जाएगा. वो सब कुछ सुविधा भी इधर है. तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो. और भी एम्स के बारे में, एम्स भुवनेश्वर के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल और कमेंट करके बोलिए आपको और क्या क्या जानना है, सो दैट हम इधर उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना सकते हैं. जैसे कि DH1 के बारे में वीडियो आएगा, कॉलेज कैंपस के बारे में वीडियो आएगा. कमेंट करके बोलिए आपको और कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए एम्स भुवनेश्वर से, तो हम उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे. स्टे सेफ, स्टे हैप्पी.